कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने फोन पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ रचनात्मक बातचीत की, जिसमें दोनों देशों द्वारा कोरोना वायरस के वैश्विक प्रकोप के कारण उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग करने के तरीकों पर चर्चा हुई। कोरोना ने दुनिया के 138 देशों को अब तक अपने चपेट में ले लिया है, जो एक वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि इसके खिलाफ दुनिया के कई देश एकजुट हो रहे हैं और इसके रोकथाम के लिए अलग अलग कदम उठा रहे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मॉर्गन ऑर्टागस ने कहा कि दोनों नेताओं ने 14 मार्च को कोविड-19 की चुनौतियों पर चर्चा की। ऑर्टागस ने कहा, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 14 मार्च को कोविड-19 द्वारा उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा की, जिसमें भारत और अमेरिका इस वैश्विक चुनौती को दूर करने के लिए सहयोग कर सकते हैं। और वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत हुई, अमेरिका और भारत की कोरोना पर आगे की बातचीत वैश्विक महामारी को मदद कर सकती है। कोरोना ने अमेरिका में भी भयंकर तबाही मचाई है। अमेरिका में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और ये बढ़ते हुए 3,000 हो गई है। वहीं भारत में कोरोना वायरस ने 110 से अधिक लोगों को अपनी चपेट में ले रखा है, जिसमें कुछ विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। हालांकि भारत सरकार कोरोना वायरस को लेकर पूरी तरह से सतर्कता बरत रही है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सार्क देशों को भी कोरोना से सचेत रहने और इससे बचाव के लिए सही कदम उठाने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि सभी सार्क देशों को सावधानी बरतनी होगी और कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इससे निपटने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। कोरोना वायरस के खतरे पर सभी सार्क देशों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मेरा प्रस्ताव है कि हम कोविड-19 इमरजेंसी फंड बनाएं। यह हम सभी के स्वैच्छिक योगदान पर आधारित हो सकता है। भारत इस फंड के लिए 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर के कंट्रीब्यूशन के साथ शुरुआत कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।